चुपे लुंडे छेड़ लोग मना कर रही है बाजार में। बाबा मैंने छेड़ूंगा, पिछली बार बहुत पिटा बाजार में। अपने बाप का नाम ऐसी बदनाम करेगा तू? बाबा मैं दूसरा चैप्टर पढ़ लूंगा, ये ना पढ़ूंगा बाजार वाला। अरे अंकल यही तो इम्पोर्टेंट है, बाजार वाला इसमें से चार नंबर का अलग ही रखा। मुझे ये बता दो, ये लड़का अगर लड़कियां छेड़ेगा दबा के तो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, फीस पूरी ले लूंगा, तो वरना इसे ले जाओ यहाँ से, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्या दिक्कत आ रही है? लोंडिया क्यों ना छेड़ेगा? बाबा मैं शादियों में लोंडिया छेड़ लूंगा, बाजार में बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। तू तो तेरा बाप भी छेड़ेगा। मारेंगे नाम बदनाम करा दे हमारा तो तू मार्केट में। बदनाम तो अंकल आप हो गए, और आगे भी भविष्य में अगर ये लड़की नहीं छेड़ता है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, गांडू नहीं। अब इससे पूछ लो, ये यहाँ पे पड़ेगा तो लड़की बाजार में भी छेड़ेगा, पूछो इससे। क्यों बे, लास्ट बार पूछ रही हूँ, छेड़ेगा या नहीं छेड़ेगा? पापा बाजार में तो जरा भी ना छेड़ूंगा मैं, हाथ बहुत धो लिया आज नहाई लू। Hey guys, welcome back to Sweet Chilies. मैं रुधीर, कैसे हैं आप लोग? Guys, आज हम लोग देखने वाले हैं Round to Hell के वीडियो तीन कुंवारे। चौंको मत यार, तीन कुंवारे मतलब थ्री बैचलर्स, ओके? तो काफ़ी पुरानी वीडियो है, और लेकिन 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 जहाँ ये तीन तिगड़ी हो, जैन भाई, वसीम भाई और नाजिम भाई, ठीक है, तो वहाँ पे कोई धमाल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। और यार इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं बताना चाहूँगी हमारे साथ चार मेंबर्स जुड़े हैं, ठीक है, हमारी मेंबरशिप ज्वाइन की है, इसमें से दो पुराने हैं जिन्होंने रीज्वाइन किया है। आप स्क्रीन पर इनका नाम देख सकते हैं, अजय कुमार, आर्या थगुना, भानु यादव एंड सुनील कुमार, ओके? तो थैंक यू आर्या थगुना एंड भानु यादव रीज्वाइनिंग करने के लिए, ठीक है। और भानु यादव जी ने हमारी स्वीट गोल्ड मेंबरशिप ली है, तो इसलिए बहुत दिल से शुक्रिया है आपका भानु यादव जी, थैंक यू सो मच। और बाकी जितने भी लोग मेंबर्स ये आए हैं, इनका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और यार बस अपना प्यार बनाए रखो, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, है ना। तो चलो यार ये वीडियो शुरू करते हैं, और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। अरे निकाल इन तीनों भाड़ुओं को बाहर, कुछ जरा बहन के लोड़े बादर चोद। बगाड़ आ गया। बस इतना दर्द तो जब भी ना हुआ जब पहली बार जिम ज्वाइन करा। अबे उड़न चाशमी तो छुटी है, कोई बात ना यार, दोबारा कर लेंगे। अबे ना जिम, मैं बता रही हूँ अपन तीनों की गलती है ही नहीं, उस नई सेक्रेटरी ने क्या कहा था बता? उसने तो यही कहा था कि कौन लेगा सबसे पहले। बस यही तो ना जिम, बस यही तो ना जिम, अबे ओ बता क्या था जा। अबे बस नाजिम यही तो, उसने कहा सेक्रेटरी ने कौन सबसे पहले लेगा, ये चढ़ गए उस पे, उसने कहा था सबसे पहले कौन प्रोजेक्ट लेगा। खैर छोड़ो, सारी नौकरियां लोडी आज की वजह से खत्म हुई अपनी। ओए वसीम, लोंडिया देख रही, तूने देखा मुझे? साले गला घोट दूँगा, प्यार हो गया फुका हुआ, निगाह निगाह में आई लव यू बोला उसने भी और मैंने भी, और आज ही हाथ काटूंगा अपना प्यार में। हाथ क्या लंडी कर ले। नाजिम प्यार में नसे कटती है, नसे तो फिर इसकी नस काट ले। अबे तूने देखा क्या है? अबे निगाहों से घर तक छोड़ के आया हूँ उसे। घर पे खाना नहीं खाएगी मेरे प्यार की वजह से, कौन है उसका जिम्मेदार? अबे 120 की स्पीड से तो निकल के गई है, देखा ही क्या तूने उसमें? तूने क्या देखा था? उसकी जो ऑरेंज कलर की जूती थी उस पर जो नग था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसके बाएं पैर की जो बद्दी थी वो भी टूटी हुई थी, उसमें भी मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। देख जैन मैं तुझे बताता हूँ, लोंडिया मुझे ही देख रही थी, कैसे बताऊँ देख, ए लोंडिया खड़ी थी 30 डिग्री के एंगल पे है ना, तो एरिया ऑफ लोंडियाबाजी क्या होता है 1/2 लोंडे इनटू लोंडिया है ना। भाई ये तो भीड़ में लगा है, फिर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे लगा है, चल दूसरा लगा ले, कुल मिला के एरिया जो मिल रहा था तो 90 डिग्री के एंगल पे पेड़ है, पेड़ से टकरा के बसीम 30 डिग्री पकड़ा था, तू 90 पे मैं 45 पे, तो कुल मिला के मेरे देख रही थी वैल्यू हटा दी, गोलगप्पे के ठेले पे लगा वाली वैल्यू जो लगा। राजीव उस लड़की का जो बाएं पैर की बद्दी टूटी हुई थी ना वो रोल गोल्ड की थी। आजा पहले हिसाब ही कर ले, इधर को आजा नाजिम, इधर को आजा, थ्योरी ऑफ लोंडियाबाजी समझा देता हूँ मैं। लैंड स्टेन का सवाल क्या था ये बताओ, लोंडिया का स्क्वायर बराबर लोंडे का स्क्वायर माइनस दो लोंडे, अब लोंडिया थी अकेली में। नाजिम अगर उस लड़की से प्यार हो गया ना तो एक जोड़ी जूती जरूर दिलानी यार उसे। पूरा स्टार खुलवा दिया उसके लिए, पहले हिसाब में तो निकल गया तेरा नाम, यहाँ को आजा भाई अल्बर्ट लैंड स्टेन ने क्या गया,
एरिया ऑफ लोंडिया इक्वल टू 2x2 गुणा कर दी, सही है। हम तीन जने खड़े थे वहां पे, लोंडिया का एंगल 30 बना। अब यहाँ को आ जाओ, जैन से जैन कट गया, नाजिम से नाजिम कट गया, बचे दो जैन। अब दो जैन से एक बसीम कट गया, लोंडिया इक्वल टू जैन। अब हिसाब में कोई गड़बड़ी हो तो भैया दोनों बता दो। यार जैन, मुझे तेरे हिसाब में कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे भी लग रही है यार। अबे हिसाब गलत है तो गलत है, साले काय का गलत है, फॉर्मूला गलत लगा रही है लंडिस्टीन का। बस साले फॉर्मूला गलत मान लिया, तू क्या सोच लिया लोंडिया साइड नहीं होगी मुझसे? अबे 38 साल के बुड्ढे सलमान खान से 5-6 साल छोटा होगा, लोंडिया पटाके दिखाऊंगा तुझे। और तुझे साले कादर खान के साथ कंचे खेलने वाले इंसान, मुगले आजम रिलीज हुई तब भी 40 साल का था ये। सालो अंग्रेजों से लोहा लेने वाले आदमी हो तुम, तूने ना लिया लोहा, तूने ना बिकवाया। पौने 3 किलो निकला तेरे एग्जाम में पूरा। लोंडिया सेट करके दिखाऊंगा एक महीने में मैं तुझे दिखाऊंगा लोंडिया सेट करके। एक महीने में कुछ देर लोंडिया पटेंगी। अबे मिलो एक महीने के बाद, मैं देख लूंगा दोनों को। चलो भाई एक महीने बाद मिलेंगे। चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तुमने वसीम भाई के। गुड मॉर्निंग गांडू। अरे तुम्हें कह रहा हूँ सकल सी गांडू लगो दोनों। ऐसे कह रहा हूँ गांडू। तुम दोनों कह रहे होंगे गांडू, तुम तीनों गांडू हो। आप तीनों बताओ आईआईटी में पढ़ने वाले क्या कहलाते हैं? आईआईटी। बस यही तो सर बता तो जाओ। बस यही तो आईआईटी में पढ़ने वाला आईआईटीयन हुआ तो गांडू क्लासेस में पढ़ने वाला बच्चा गांडू हुआ। आप भी गांडू हो, फीस पहले ले लूंगा। तो बच्चों सुन लो, ये 30 दिन का कोर्स है, अगर 28 पहले लेना है जिसने किया वो बच्चा गंडी कहलाया। बच्चों मेरी बात तो सुनो, बैठो। सर गंडी बनने थोड़ी आए हैं, पढ़ाई करने आए हैं। अरे मेरे बेटे गंडी मत बनो, आप 30 दिन में पूरे सेट करो लोंडिया, जल्दी मत करो, गंडी नहीं कहूंगा। ये तो सेंटर की जो टॉप मारता है। सर ये आपने कोचिंग क्लासेस का नाम गांडू ही क्यों रखा सर? बहुत असली नाम लग रही है। मुझे पता था तू जरूर पूछेगा, सकल से ही भाड़ू लग रहा था तू मुझे। साले फीस में ऐड कर लिए 250 रुपए कुर्सी के। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जी जो है गर्लफ्रेंड के लिए स्टैंड करता है, ए जो करता है आपके लिए इसी प्रकार, एन नहीं के लिए, और डी डीयू के लिए, नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी दूर। तो इससे हम बनाते हैं गर्लफ्रेंड अब नहीं दूर किसी की भी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, लड़की भीड़ वाले इलाके में है या राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नहीं क्वेश्चन बाकी भी शानदार है, मैं आपको दोनों फॉर्मूले देता हूँ। भीड़ में जो लगेगा बी इक्वल टू 4AC, और जो राजीव चौक का आप पूछ रहे हैं उसमें 2 से गुणा कर दो भीड़ की, बस 4AC। यहाँ पे भीड़ की भीड़ है, ए जो है आपका सब्जेक्ट है। फीस पूरी ले लूंगा बेटे, भीड़ की यहाँ पे 2 से गुणा इसलिए की गई क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है राजीव चौक पे। सर अगर लड़की की सैंडल की बद्दी टूटा हुई है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बेटे पहले बद्दी लगेगी, फॉर्मूला बाद में लगेगा। और सर अगर लड़की अपने भाई के साथ हो तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला तो कोई ना लगेगा पर रैप्टा बड़ी भर के लगेगा। अब फिर से नहीं, फिर कुर्सी टूटती। तो बेटे इसमें 7 चैप्टर होंगे एक महीने में, आपके सातों के सातों आपको करने पड़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लोंडिया, वेलोसिटी ऑफ लोंडिया, बाजार में लोंडिया, मॉल में लोंडिया, और फीस पूरी ले लूंगा महीने से पहले। तो बेटे ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा इसमें ये होगा शादी ब्याह में लोंडिया। पूरा उतारने दियो अभी। सर मैं कुछ कहना चाहता। हाँ बेटे बताओ। सर मैं बाजार में लोंडिया नहीं छेड़ूंगा। तेरे बाप को कौन लगाऊं, तू तो कोचिंग तो पाया। अंकल जल्दी से स्कूल पा जाओ, बहुत ही कमजोर बच्चा तुम्हारे पढ़ाई में। बीबी जी ओके। अरे अंकल आपका लड़का साफ मना कर रहा है बाजार में लड़की छेड़ने को, कल कला को ये फेल हो जाएगा, मेरे कोचिंग का नाम बदनाम होगा, गांडू का नाम बदनाम होगा। सुबह लोंडे छेड़ने को मना कर रही है बाजार में। हां मैंने छेड़ूंगा, पिछली बार बहुत पिटा बाजार में।
अपने बाप का नाम ऐसे बदनाम करेगा तू? बाबा मैं दूसरा चैप्टर पढ़ लूंगा, ये ना पढ़ूंगा बाजार वाला। अरे अंकल यही तो इम्पोर्टेंट है, बाजार वाला इसमें से चार नंबर का अलग ही रखा। मुझे ये बता दो, ये लड़का अगर लड़कियां छेड़ेगा दबा के तो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, फीस पूरी ले लूंगा, तो वरना इसे ले जाओ यहाँ से, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्या दिक्कत आ रही है? लोंडिया क्यों ना छेड़ेगा? बाबा मैं शादियों में लोंडिया छेड़ लूंगा, बाजार में बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। तू तो तेरा बाप भी छेड़ेगा। बदनाम तो अंकल आप हो गए, और आगे भी भविष्य में अगर ये लड़की नहीं छेड़ता है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, गांडू नहीं। अब इससे पूछ लो, ये यहाँ पे पड़ेगा तो लड़की बाजार में भी छेड़ेगा, पूछो इससे। क्योंकि लास्ट बार पूछ रही हूँ, छेड़ेगा या नहीं छेड़ेगा? पापा बाजार में तो जरा भी ना छेड़ूंगा मैं, हाथ बहुत धो लिया आज नहाई लू। एक महीने बाद। अरे कोई रिजल्ट एक महीने बाद मिल लिया है? रिजल्ट? अबे लोंडिया खुद पढ़ा लेता हूँ खुद, और जो मास्टर पढ़ा रहा था ना तुम्हें, उसे खुद कोचिंग दे रही हूँ मैं आज। साले लोंडियों से बोर हो गई हूँ, बस इतनी पढ़ा दी मैंने। और यहाँ तो कोई लोंडियों की गिनती नहीं है। ओके गाइस यहाँ पर ये वीडियो खत्म। वाओ वाओ क्या वीडियो थे यार, क्या मैंने आज तक आईआईटी की कोचिंग सुनी थी, जेईई की कोचिंग सुनी थी, ठीक है, यूपीएससी आईएएस पीसीएस इनकी कोचिंग सुनी थी, एसएससी, ठीक है, लेकिन ये क्या है? लड़के बताने की कोचिंग, और नाम भी कैसा गांडू। अबे यार बहुत मस्त वीडियो थी, लेकिन एक चीज मुझे बहुत ज्यादा खटक रही थी हर चीज में, मैथ। मैथ क्यों घुसती है? मेरा सबसे ज्यादा हेटरेड वाला सब्जेक्ट है ये, मुझे नफरत है मैथ से, नहीं। अबे यार कसम से यार, मैथ जहाँ होती ना, पता है बचपन से लेकर आज तक इस मैथ ने पीछा नहीं छोड़ा है। मालूम है यार जिंदगी में बहुत जरूरी है मैथ, लेकिन अगर नहीं आती है मैथ तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एनीवेज अब तो खैर छुटकारा मिल चुका है मैथ से, ठीक है। और यार बात करते हैं वीडियो की, ठीक है। मैथ को छोड़ो पीछे, और यहाँ बीबी जी का जो रेफरेंस था ना वो बहुत ही ज़्यादा मस्त था, ठीक है। हाथ साबुन से हाथ धो के फिर मार रहे हैं, छेड़ेगा लड़की कि नहीं छेड़ेगा बता, छेड़ेगा कि नहीं। पहली बार किसी बाप ने अपने अपने बेटे को इसलिए डांटा है क्योंकि वो लड़की छेड़ने को मना कर रहा है, इसलिए मारा है। वाव बहुत ही मस्त वीडियो थी यार, बहुत ज़्यादा। और इस टाइप की कोचिंग्स ना लड़के हमेशा ही चाहते हैं कि भाई साहब कोई ऐसी कोचिंग मतलब मिल जाए, ऐसी कोई टिप मिल जाए कि बस मुंह खोला नहीं कि लड़की सामने खड़ी हो, है ना। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो थी, और राउंड टू हेल हमेशा से ही इतना अच्छा अच्छा इतने मज़ेदार कॉन्सेप्ट लाते रहे हैं, ठीक है, और हैट्स ऑफ टू देम यार। और यार आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको रिएक्शन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।